हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक पांडा वेब और मैं हूं आपका दोस्त राणा। दोस्तों अभी मैं हूं गाजियाबाद जंक्शन में और यहां से आज मेरी ट्रेन है 15013 रानीखेत एक्सप्रेस, जो कि बन के चलती है जैसलमेर से और ये जाती है काठ गोदाम तक के लिए। ट्रेन तो मैंने बुक की थी दिल्ली कैंट से, लेकिन मैंने बोर्डिंग स्टेशन अपना चेंज कर दिया और यहां पे मैंने गाजियाबाद जंक्शन बोर्डिंग स्टेशन करवा लिया था, क्योंकि ऑफिस से निकल के मुझे डायरेक्ट जाना था और मेरा ऑफिस है नोएडा में। तो गाजियाबाद जो जंक्शन है, यहाँ पर टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या टोटल 6 है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रेन यहाँ पे लग रही है, तो ये मेरी ट्रेन नहीं थी, अभी आधा घंटा हमारे पास समय था, तो मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबरों के लिए गाजियाबाद जंक्शन की एक वीडियो बना दूँ। तो यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 654321, तो यहाँ से अगर आप एंटर करेंगे तो ये सारे प्लेटफॉर्म आपको यहाँ से मिल जाते हैं। टोटल गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म है और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के कोड की बात करें तो GZB इसका कोड है। और देखिए यहाँ से आपको एंट्री प्रवेश द्वार करना का यहाँ पे बना हुआ है। अभी गाजियाबाद जंक्शन में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। जो मेन गेट है वहाँ से आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की एंट्री यहाँ पे बनाई गई है। गाजियाबाद जंक्शन में आपको यहाँ पे एस्केलेटर की भी सुविधा मिल जाती है, तो अगर कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है तो आप एस्केलेटर के द्वारा भी यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म की ओर जा सकते हैं। गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन में 2 गेट बने हुए हैं, एक विजयनगर जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर पड़ता है और नेहरू नगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर पड़ता है। तो हमारी जो ट्रेन आने वाली थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है, 15013 रानीखेत एक्सप्रेस, और हम लोग लगभग सुबह के 4:30 बजे काठगोदाम पहुँच जाएंगे और हमारी ट्रेन यहाँ से 11 बजे है। तो ये गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन है। आप देखिए अगर आपकी ट्रेन यहाँ से है या फिर काफ़ी टाइम अगर आप बिहार झारखंड यूपी जाते हैं तो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन ज़रूर क्रॉस होके आप लोग जाया करते होंगे। तो आज मुझे यहाँ पे चांस मिल गया था गाजियाबाद स्टेशन विज़िट करने का, क्योंकि मैंने अपना बोर्डिंग स्टेशन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन कर लिया था, जो कि मेरे यहाँ पे ऑफिस से काफ़ी पास था, तो इसलिए मैंने ये चेंज कर लिया। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो भी बना देता हूँ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के लिए। तो ये पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है और यहाँ पर फैसिलिटी की बात करें तो आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि पार्किंग की सुविधा, क्लॉक रूम, वेटिंग रूम और भी जो भी एक नॉर्मल रेलवे स्टेशन पे होना चाहिए वो सारी सुविधा आपको गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, यहाँ से मुझे जाना है रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन लेकर के सीधा काठगोदाम। काठगोदाम में उतरने के बाद सीधा हम लोग जा रहे हैं नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो आज मेरा भी मन किया कि वहाँ पर जाके मैं भी दर्शन करूँ, तो यहाँ से मैं ट्रेन आज लेके वहाँ पर ट्रैवल करने वाला हूँ दोस्तों। तो जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा कि अगर आप भी दिल्ली से या कहीं और से जाना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको जाना है, वहाँ से कैब या फिर बस किस तरीके से आपको जाना होता है, कौन सा बेस्ट टाइम होता है और आपको दर्शन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को अपडेट मिल जाए। तो लगभग रात के 11 बज चुके थे और हमारी ट्रेन स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे आके लगने वाली थी, तो 11 बजे हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम से थी और ये ट्रेन बिल्कुल लेट नहीं होती है, रानीखेत एक्सप्रेस 15013 ट्रेन। तो ये देखिए हमारी ट्रेन भी का अनाउंसमेंट हो गया और बैक टू बैक यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेन आती जाती दिखेंगे, क्योंकि काफ़ी ये बिजेस्ट ट्रेन है। जितनी भी ट्रेन बिहार झारखंड यूपी जाती है वो गाजियाबाद क्रॉस होके ही जाती है। तो हमारी ट्रेन फाइनली टाइम से बिल्कुल टाइम पे 11 बजे का टाइम था, 11 बजे यहाँ पे आके प्लेटफॉर्म पे लग गई है। और हमने जो सीट करवाया था वो हमने करवाया है 3rd AC में। B1 में हमें सीट मिला है मिडिल बर्थ और अपर बर्थ, दोनों सीट मिला है हमें यहाँ पर, और आज हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं। तो दोस्तों गाजियाबाद रेलवे स्टेशन अगर आप कभी आए हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद, कैसा रेलवे स्टेशन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के बारे में, तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी जो इतने सब्सक्राइबर हैं उनको गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी मिल जाए। लोग कहते हैं कि ये नाइट में सेफ़ नहीं होता है, गाजियाबाद जो रेलवे स्टेशन है आसपास का इलाका है, मुझे इतना इसके बारे में नहीं पता है कि क्यों ऐसा लोग कहते हैं, मुझे तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी अभी तक तो लगा नहीं। ठीक ठाक रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे सेफ्टी भी अच्छी है, सारे पुलिस फोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो देखिए हमारी ट्रेन यहाँ पे आके रुक गई है, चलिए जल्दी से बोर्ड कर लेते हैं ट्रेन और हमारी जो सीट है उस पर जाके देख लेते हैं
कोई आके तो यहाँ पे बैठा नहीं है, क्योंकि अभी क्या हुआ था दोस्तों, जो वेटिंग टिकट है तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया, जो लोगों के पास टिकट थी प्रॉपर उनको ही यहाँ पे एंट्री दी जा रही थी, और बाकी लोग अगर ट्रेन में यहाँ पे कोच में दिखते थे उनको बाहर निकाल दिया जा रहा था। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे अब जाके लगी कि क्यों जिन्होंने टिकट यहाँ पे परचेज़ किया हुआ है, लगभग 2,000 1,500 दे के परचेज़ करके ट्रैवल करते हैं, उनको डिस्टर्बेंस होती है, बाकी के जो वेटिंग वाले आ जाते हैं या फिर जनरल वाले भी घुस जाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें अब नहीं हो रही थी। तो फाइनली हमने अपना बिस्तर लगा लिया, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, 11 बजे का टाइम था, और सुबह हमें 4:30 बजे उठ के सीधा दर्शन करने के लिए निकलना है। तो हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम लोग जाके अपना यहाँ पर बेड लगाएंगे, और ब्लैंकेट थर्ड एसी में आपको प्रोवाइड किया जाता है, फूड नहीं दिया जाता है, लेकिन ब्लैंकेट इसमें दिया गया था। तो अब हमारी ट्रेन यहाँ से 2 मिनट के हॉल्ट के बाद सीधा आगे के स्टॉपेज के लिए निकल चुकी है। सुबह हम लोग 4:30 बजे लगभग पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद बाकी के वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा कि वहाँ से अगर आप नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं या फिर नैनीताल जा रहे हैं तो किस तरीके से जाना है, आपको टैक्सी लेना है या फिर बस लेके जाना है, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।